हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहां पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की थर्ड यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेस्टेज एनालिसिस। वेस्टेज एनालिसिस की कौन सी डिफरेंट मेथड्स है। फर्स्ट है इसमें लेबर टर्नओवर इंडेक्स। लेबर टर्नओवर इंडेक्स में क्या होता है कि ये प्रेजेंट टू एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉय को इंडिकेट करता है। इट मींस यहाँ पर जो इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर के चले जाते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ऐसे इम्प्लॉय को यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। इसका फॉर्मूला है लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इम्प्लॉय लिविंग जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर के चले गए लीव कर चुके अपॉन एवरेज नंबर ऑफ इम्प्लॉय इम्प्लॉयड मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम जो लेबर टर्नओवर है इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड है हमारा स्टेबिलिटी इंडेक्स। कुछ समय के लिए स्टेबल वर्कफोर्स को यहाँ पर इंडिकेट कुछ समय के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल होते हैं ऐसे वर्कफोर्स को यहाँ पर इंडिकेट किया गया। इसका भी फॉर्मूला है नंबर विद द मोर देन वन ईयर सर्विस नाउ मतलब एक साल से अधिक सेवा देने वाले इम्प्लॉय अपॉन टोटल इम्प्लॉयड वन ईयर एगो मतलब एक साल के पहले जो भी इम्प्लॉय थे उनकी संख्या इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम जो एस्टेब्लिश एम्प्लॉयड थे ऑर्गेनाइजेशन में उनको निकाल सकते हैं। फिर एक कोहोर्ट एनालिसिस। कोहोर्ट एनालिसिस इट मींस ये होमोजेनियस ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो कहना चाहिए कि ग्रुप एम्प्लॉय हैं उनकी लेंथ ऑफ सर्विस को एस्टीमेट करता है या इंडिकेट करता है। और साथ में क्या होता है कि यहां पर ये जो लेबर टर्नओवर इंडेक्स है इसमें जो भी डिफेक्ट है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। जैसे कि एक साल में स्टार्टिंग में 50 इंप्लॉय थे ऑर्गेनाइजेशन में फिर 45 हुए फिर 40 फिर 35 फिर 30 तो ये इंप्लॉय का टर्नओवर क्यों हो रहा है इस चीज को यहां पर कोहोर्ट एनालिसिस में एनालिसिस किया जाता है। इसका भी फॉर्मूला है नो रिमेंबर बीइंग एट अ गिवन अपॉन नो एंगेज्ड एट द स्टार्ट इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम कोहोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा सेंसस एनालिसिस। देखो सेंसस एनालिसिस में क्या होता है, देखो कोहोर्ट एनालिसिस की एक सबसे बड़ी कमी है कि ये जो स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप है ये इसके लिए अच्छा है लेकिन इस कमी को ये जो सेंसस एनालिसिस है इसके थ्रू एंड किया जा सकता है। अब जो ये सेंसस एनालिसिस के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय के लिए स्टेबल एम्प्लॉयड है या फिर ये समझ लो कि जो वर्किंग इम्प्लॉयड है इनके लिए भी एक स्मूथ एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि सेंसेस के बिगनिंग में कितने इम्प्लॉय थे और सेंसेस के एंड में कितने इम्प्लॉय हैं या सेंसेस पीरियड में जो ड्यूरिंग में जो इम्प्लॉय चले जाते हैं ऐसे इम्प्लॉय को यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। तो ये था डिफरेंट मेथड्स ऑफ एवरेजेस एनालिसिस। अब हम यहाँ पर सेकेंड टॉपिक देखते हैं मेथड्स ऑफ इम्प्लॉयज वेस्टेज। इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिस्चार्ज एंड सेकेंड है टर्मिनेशन। फर्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज। देखो किसी भी इम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से बिना किसी रीजन के डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है और ये जो डिस्चार्ज है ना ये इम्प्लॉय के स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लेके आया गया। और ये भी कब किया जाता है जब जो इम्प्लॉय है उसको सभी तरीकों से समझा दिया गया हो तभी लास्ट डिसीजन के रूप में डिस्चार्ज जो है वो लास्ट डिसीजन के रूप में लिया जाता है। इसके सब पॉइंट है अनसैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अब देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंप्लॉय है जो मतलब अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपनी एफिशिएंसी अपना एफर्ट नहीं दे पा रहा है और साथ में उसको जो स्किल एबिलिटी या नॉलेज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो इंप्रूवमेंट भी नहीं कर रहा है तब उसे डिस्चार्ज यहां पर कर दिया जाता है। फिर सेकेंड है मिड कंडक्ट। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं अगर उनको वो फॉलो नहीं कर रहा है विलफुल वॉयलेशन कर रहा है अगर उनका जैसे कि डिसऑनेस्ट है इन सबऑर्डिनेशन है इन डिसऑनेस्टी या बहुत सारी चीजें हैं डिसिप्लिन इन डिसिप्लिन इन सारी चीजों की वजह से भी उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है इंप्लॉय को डिस्चार्ज किया जा सकता है ठीक। फिर सेकेंड है हमारा टर्मिनेशन। अब देखो इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से जॉब कई रीजन से छोड़ करके जा सकता है। फर्स्ट है इसमें डिसमिसल। डिसमिसल एक एम्प्लॉयर ये स्टेप तब लेता है जब उसे जब
स्टाफ का कोई मेंबर कंटिन्यू ये शो अप कर दे कि वो इनएक्यूरेटली अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका वायोलेशन कर रहा है, तब उसे डिसमिस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। सेकेंड है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन में क्या होता है कि जब इम्प्लॉय खुद से अपना टर्मिनेशन कर दे, उसको कहा जाता है रेजिग्नेशन। इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रमोशन इन अनदर कंपनी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से वो रेजिग्नेशन दे सकता है, डिसटिस्फेक्शन विद द कंपनी और पर्सनल सर्कमस्टेंस, है ना। इन सारी चीजों की वजह से वो जो इम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन से रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये था मेथड्स ऑफ इम्प्लॉय वेस्टेज। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिटेंशन। देखो रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन इसीलिए, रिटेंशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई इम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम के लिए रोका जा सकता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम सर्विस दे, एग्जिट ना करे। अब एग्जिट ना करे इसके लिए उसके जो सेटिस्फेक्शन है या उसका जो कंफर्ट जोन है, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। देखो आज के जो टाइम पर इम्प्लॉय है उनको अपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के बारे में वो बहुत ही ज्यादा अवेयर है, तो जैसे ही उन्हें अगर ये फील होता है कि हम प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को लेकर के या एम्प्लॉयर को लेकर के डिससैटिस्फाइड हैं, तो वो इमीडिएटली अपनी जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब ले लेते हैं। तो एंड ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर अपने जो गुड एम्प्लॉय है उसको कहीं जाने के लिए मतलब रोकता है कि वो एग्जिट ना करे ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस चीज के लिए वो कैसे अट्रैक्ट कर सकता है अब एम्प्लॉय को, जैसे सैलरी या सैलरी दे सकता है उसको ज्यादा अच्छे से, या फिर उसके बेनिफिट्स के बारे में सोच सकता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ कर सकता है, उसको रिवॉर्ड वगैरह दे सकता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकता है जिससे वो अट्रैक्ट होकर के ऑर्गेनाइजेशन में बना रह सके। फिर सेकंड हमारा रिटेंशन स्ट्रेटजी। देखो रिटेंशन स्ट्रेटजी को भी यहाँ पर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर ओपन कम्युनिकेशन है तो इससे जो इम्प्लॉय है उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी और उन्हें भी ये फील होगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे व्यूज की ओपिनियन मैटर करता है। ठीक। सेकंड है हमारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्किल और नॉलेज जैसे प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी इम्प्लॉय ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहले अट्रैक्ट होगा, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि क्वालिफाइड पर्सन तो बहुत है लेकिन स्किल्ड पर्सन नहीं है। क्वालिफिकेशन सबके पास में लेकिन स्किल सबके पास नहीं है। और अभी अगर जॉब करना है तो जॉब में क्वालिफिकेशन तो चाहिए लेकिन साथ में स्किल्ड भी चाहिए, इसलिए दोनों चीजें चाहिए। तो जहां पर मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा तो इम्प्लॉय वहीं पर पहले अट्रैक्ट होगा। फिर सेकंड हमारा रिक्रिएशन फैसिलिटीज। अब देखो ये जो इम्प्लॉय का स्ट्रेस रहता है ना उसको दूर करने के लिए फैसिलिटी लेकर के आई गई है। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है इम्प्लॉय के लिए, जैसे इम्प्लॉय को ट्रिप्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड उसको बोनस दिया जाता है, जैसे अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको अच्छा बोनस दिया जाएगा, है ना। और ये बोनस वगैरह जो होता है ना सेल्स के लिए ज्यादा रहता है कि वो जितना ज्यादा सामान बेचेगा उसको उतना अच्छा बोनस या कमीशन प्रोवाइड होता है। फिर है सेलिब्रेटिंग एनिवर्सरी एट द ऑर्गेनाइजेशन, साथ में जैसे उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे सकते हैं, गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिवॉर्ड प्रोग्राम कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो ये सारी फैसिलिटी से जो रिक्रिएशन फैसिलिटी है वो और इंक्रीज होगी और एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या वो और ज्यादा इफिशियंसी से वर्क करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारा रिटेंशन स्ट्रेटजी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।